नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि कबूतरों को सर्दी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस टाइम सर्दी का पीक सीज़न है और हमारे जो बर्ड्स हैं एकदम ठंड में सिकुड़ करके बिल्कुल बैठे हैं, और इस टाइम जब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है तो आपका बर्ड्स भले ही ठंड में ना आए लेकिन कोई ना कोई ऐसी किसी बीमारी की चपेट में आता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। क्योंकि आपको पता है जब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है तो बर्ड्स में बीमारी, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हावी होकर के उसमें सिम्टम्स आपको नजर आने शुरू रहते हैं। सर्दी में जो सबसे पहले हम उसको ठंड से बचाव का हमने क्या इंतजाम करना है, उसके घर को चारों तरफ से कपड़े से कवर कीजिए। आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर रूम हीटर लगा सकते हैं या ब्लोवर लगा सकते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। 100 वाट के 2-3 बल्ब भी लगा सकते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर 20 से 24 के बीच में मेंटेन रहे। उससे क्या है, बर्ड्स ठंड से बचे रहेंगे, यानी अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होगा तो बर्ड्स में ठंड नहीं लगेगी। अब आता है कि बर्ड्स को यदि ठंड हो गई है, लग गई है, तो उसके साथ साथ हमें क्या, या पीने के पानी में हम ऐसी क्या चीज़ें दे सर्दी में ताकि बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो। आप कोशिश कीजिए, पीने के पानी में अदरक ले लीजिए और बड़ी वाली इलायची ले लीजिए, लौंग ले लीजिए। इन तीनों को पानी में उबाल करके आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में दीजिए। पीने का जो पानी है, या यदि आप अपने बर्ड्स को ये देंगे तो आपका बर्ड्स जो है ठंड से बचा रहेगा। ये क्या है, बर्ड्स के शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। गर्मी का मतलब ये है कि उसको ठंड से बचा करके रखते हैं, पक्षियों में ठंड नहीं लगने देते हैं। आप इसके अलावा बर्ड्स को खाने में ऐसी चीज़ें दीजिए सर्दी के अंदर जो कि गर्म होती है। सबसे ज़्यादा क्या है, बाजरा गर्म होता है। बर्ड्स की डाइट में, कबूतरों में मैक्सिमम बाजरा दीजिए। दूसरा, सर्दी में उनकी स्किन में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी उनकी जो स्किन है ड्राइनेस आ जाती है। उसके दाने के अंदर आप सरसों जरूर मिलाइए। सरसों के दाने देने से क्या, क्योंकि उसमें ऑयल बेस्ड कंटेंट होता है। यदि आपका बर्ड्स सरसों खाता है, मतलब एज ए फूड के तौर पे, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। और सरसों ऑयल आप कोई भी देते हो तो ऑटोमेटिक फैट होता है, वो फैट क्या है, बर्ड्स को सर्दी से बचाता है। बर्ड्स को सर्दियों में थोड़ा सा, भले ही पिजन से, आप उनको यदि हरी पत्तेदार कोई भी सब्जी चॉपिंग करके आप डालते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है। यदि बर्ड्स आपके, आप देखेंगे कबूतर भी इवन ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं, आप दोगे तो बड़े शौक से खाते हैं। और क्योंकि इस टाइम में न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, हेल्दी ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, और आप देखेंगे सर्दी में आपके पेयर्स भी लगे होते हैं, काफ़ी सारे कबूतर अंडों पे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप उनकी डाइट में दोगे तो उनके अंदर जो है न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी है, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन यदि आप अपने बर्ड्स को सर्दियों में देते हो तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और उनका जो ब्रीडिंग सीजन है बहुत अच्छे से होगा, अपने बच्चों की केयर अच्छे से करेंगे। कोशिश कीजिए सर्दियों में बर्ड्स को कब खोले, जब सूरज निकल आता है, सूरज निकलने के बाद आप कोशिश कीजिए अपने बर्ड्स को बाहर धूप में 1-2 घंटा जरूर रखिए, और जैसे ही धूप चले जाते हैं अपने बर्ड्स को आप अंदर कर दीजिए। क्योंकि धूप से क्या है, विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की प्रेजेंस में बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा, विटामिन डी क्या होता है, जर्मिसाइडल होता है आपके, क्योंकि सर्दी में बर्ड्स सारा दिन बंद रहता है अंदर, उनके फेदर्स में कई बार क्या, छोट जर्म्स या माइट्स या लाइट्स वगैरह होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या हल्का फुल्का जो ड्राइनेस रहती है। यदि सूर्य की किरणें मिलेंगी, यानी सनलाइट आपके बर्ड्स को रेगुलर, उसके फेदर्स को एक्सपोजर आप दे रहे हो, तो बर्ड्स में हल्का फुल्का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, सनलाइट दे करके आप अपने उस इन्फेक्शन को वहीं आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपके बर्ड्स में जब सनलाइट अंदर जा रही तो उसकी हड्डियों में मजबूती भी आ रही है और उसके बर्ड्स के फेदर्स में भी चमक आ रही है। इस प्रकार आप बर्ड्स को सनलाइट दे करके भी सर्दियों में हेल्दी आप रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सर्दियों में आप अपने बर्ड्स को बात बिल्कुल भी ना दें, यानी कम से कम नहलाना चाहिए, सिर्फ पीने का पानी दीजिए। पानी भी हमेशा कोशिश कीजिए गुनगुना होना चाहिए। जितनी बार भी आप गुनगुना पानी देंगे उतना ही बर्ड्स पिएगा। और आपको पता है कि वाटर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जितना बर्ड्स पानी का इंटेक करता है उतना बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। और जब बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स सर्दियों में मैक्सिमम बर्ड्स जो स्ट्रेस में रहता है क्योंकि एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, बर्ड सारा दिन एक ही जगह बंद कर एक केज के अंदर रहता है, उसको खुलने का इसलिए क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है हम उसको बाहर निकाल नहीं पाते, तो बर्ड्स का जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए पानी खूब दीजिए, बार बार दिन में 2-3 बार चेंज करके दीजिए, गुनगुना पानी दीजिए। बर्ड्स इतना ज़्यादा पिएंगे उनका स्ट्रेस भी कम होगा, बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं उनके निकलने शुरू हो जाएंगे पानी के थ्रू।
दाने के अंदर सीड की मात्रा बढ़ा दीजिए। सीड्स में सीड्स का कॉम्बिनेशन, यानी आप चना, आपको पता है चना गर्म होता है, बर्ड्स को चना दीजिए, बाजरा दीजिए, सरसों दीजिए, ये सब चीज़ें, इवन मक्का को ग्राइंड करके भी छोटे छोटे पीस में आप दे सकते हैं, गेहूं भी गर्म होता है, गेहूं भी आप दे सकते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन दीजिए ताकि बर्ड्स जितना मैक्सिमम सीड लेगा उतना ही अंदर से गर्मी प्रोड्यूस करेगा और अपने आप को सर्दी से बचाएगा। सर्दियों में थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम आती है बर्ड्स के अंदर, माइट्स की आती है, इसलिए बर्ड्स का थोड़ा रेगुलर चेकअप कीजिए। इसमें हम एक नेचुरल तरीका अपना सकते हैं कि अपने बर्ड्स पे, आप बर्ड्स की क्योंकि केज की रोज क्लीनिंग नहीं हो रही, तो हम इसको केज में हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन हो, आप नीम के पत्ते लेकर के आप अपने केज के अंदर आप बिछा सकते हैं। उसमें क्या होता है, नीम के पत्तों में क्या है, ऑटोमेटिक नेचुरल हीलर है। यदि आपके बर्ड्स में या केज के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करता है तो नीम के पत्तों की स्मेल से ऑटोमेटिक वो चीज़ें खत्म हो जाती है, और ये नेचुरल तरीका है। जब पंख आपको लगता है कि सूख गए तो आप उसको रिप्लेस करके दूसरे नए जो है लीव्स जो है नीम की आप लगा सकते हो। आप हल्का हल्का जो है नीम के पानी का स्प्रे भी आप केज के अपने केज के अंदर कर सकते हैं, उससे भी जो है अंदर का माहौल अच्छा रहेगा और हल्का फुल्का कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो भी उससे क्योर हो जाएगी। लेकिन हल्का सा ही करना है क्योंकि सर्दियों में पानी का प्रयोग हमें कम से कम करना है। दालचीनी को आप पानी में भिगो करके रख दीजिए, उसको उबाल लीजिए, और दालचीनी का पानी यदि आप अपने बर्ड्स को सर्दियों में पीने को देते हैं, देखिए दालचीनी में क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्टअप। तो दालचीनी का पानी यदि आपका कबूतर पीते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। दूसरा, यदि हल्के फुल्के आपके पक्षियों को ठंड भी लग गई है तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को दालचीनी का जो पानी होता है ये क्योर करने में काफ़ी मदद करता है। इस प्रकार आप जड़ी बूटियों के द्वारा भी उनको पीने के पानी में लगा करके भी आप अपने पक्षियों को सर्दियों में बीमार होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो किस सर्दियों के अंदर पक्षियों की कैसे देखभाल करते हैं आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसके अलावा हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो, आप यदि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, पार्टिकुलरली स्किन इन्फेक्शन की या डायरिया की, जो लोग हमारे मेंबर्स हैं वो जाकर के हमारे जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइंस किया वो हमारी ट्रीटमेंट्स की वीडियो अलग से भी दे सकते हैं, वो ओनली फॉर मेंबर्स हैं। यदि आप भी चाहते हो कि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो मैक्सिमम जाकर के जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ट्रीटमेंट्स की वीडियो डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगी। वीडियोज़ केवल मेंबर्स के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम लोग जो है हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।